इस क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द कॉस्ट प्राइस वेन हमें कॉस्ट प्राइस निकालनी है जब एस पी दे रखा है और गेन परसेंटेज दे रखा है तो फर्स्ट पार्ट लिख लेते हैं अपना एस पी दे रखा है हमें रुपीज वन फाइव नाइन सिक्स और गेन परसेंट दे रखा है हमें दैट इज ट्वेल्व परसेंट क्योंकि परसेंटेज में दे रखा है इसलिए गेन परसेंट दे रखा है राइट right? अब हमें सी पी निकालना है तो सी पी का फॉर्मूला क्या होता है जो हमने लास्ट क्वेश्चन में एक फॉर्मूला पड़ा था एस पी निकालने का जस्ट उसका ऑपोजिट अगर आपने मेरे लास्ट के क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उनको ज़रूर देख लें उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है या आप मेरी साइट डब्लू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट ई लर्न मैथ डॉट इन .e पर जाएँ सिंपली क्लास क्लिक करें बुक क्लिक करें और ड्रॉप डाउन के थ्रू किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज का प्लेलिस्ट देख सकते हैं उसका फॉर्मूला होता है हंड्रेड अपॉन हंड्रेड प्लस गेन परसेंट ये ऑपोजिट हो गया है अब यहाँ पे हमारा था पहले एस पी निकाल लेते हैं और यहाँ कॉस्ट प्राइस आता था अब हम क्योंकि सी पी निकाल रहे हैं तो यहाँ पे एस पी आ जाएगा तो हंड्रेड एज इट इज हंड्रेड प्लस गेन परसेंट कितना दे रखा है ट्वेल्व तो ट्वेल्व लिख दिया इन टू एस पी एस पी है वन फाइव नाइन सिक्स तो ये कितना आ गया हंड्रेड अपॉन हंड्रेड एंड ट्वेल्व हंड्रेड प्लस ट्वेल्व इज हंड्रेड एंड ट्वेल्व इन टू वन फाइव नाइन सिक्स अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे तो देखिए टू फाइव ज़र टेन एंड टू सिक्स ज़र ट्वेल्व टू सेवन ज फोर्टीन टू नाइन ज एटीन एंड टू एट जिक्सटीन अब टू टू ज फोर एंड टू एट जिक्सटीन टू थ्री जिक्स टू नाइन ज एटीन टू नाइन जर एटीन सेवन फोर ज ट्वेंटी एट सेवन फाइव ज थर्टी फाइव सेवन सेवन ज फोर्टी नाइन फोर वन ज फोर फोर इंटू ट्वेंटी फाइव इज हंड्रेड तो सी पी कितना आ गया ट्वेंटी फाइव इंटू फिफ्टी सेवन तो कितना आ जाएगा देखिए साइड में कर रही हूँ फिफ्टी सेवन की मल्टीप्लाई ट्वेंटी फाइव से फाइव सेवनजा थर्टी फाइव ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी एट टू are फोर्टीन टेन एंड एलेवेन फाइव टूवल्व फोर एंड वन तो हमारी कॉस्ट प्राइस आ गई वन फोर टू फाइव इज़ द आंसर लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट नाउ सेकेंड पार्ट में कह रहा है अब हमारी एस पी दे रखी है टू फोर थ्री वन रुपीज़ एंड लॉस परसेंटेज दे रखा है हमें दैट इज़ सिक्स होल वन अपॉन टू परसेंट तो कैसे करेंगे देखिए मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है तो हम पहले लॉस परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे टू सिक्स ट्वेल्व प्लस वन इज थर्टीन थर्टीन अपॉन टू परसेंट राइट तो अब हमें सी पी निकालना है तो सी पी कैसे निकालेंगे इसका फॉर्मूला होता है लॉस के केस में हंड्रेड अपॉन हंड्रेड माइनस लॉस परसेंट इन टू एस पी तो देखिए हंड्रेड अपॉन हंड्रेड माइनस लॉस परसेंट मतलब लॉस परसेंट कितना दे रखा है थर्टीन अपॉन टू इन टू एस पी कितना दे रखा है टू फोर थ्री वन तो ये कितना आ जाएगा देखिए हंड्रेड एज इट इज़ रहा अपॉन इनटू टू फोर थ्री वन एज इट इज़ रहा अब यहाँ हंड्रेड के नीचे कुछ नहीं था तो वन लिख लिया अब देखिए एल सी एम लिया टू वन जर टू क्योंकि कुछ कॉमन नहीं था तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके लिख दिया अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ तो टू इंटू हंड्रेड माइनस वन इंटू थर्टीन तो ये कितना आ गया हंड्रेड अपॉन होल अपॉन टू टू इंटू हंड्रेड इज टू हंड्रेड माइनस थर्टीन वन ज थर्टीन इन टू टू फोर थ्री वन हंड्रेड अपॉन टू हंड्रेड में से थर्टीन गैस वन एट्टी सेवन अपॉन टू इन टू टू फोर थ्री वन देखिये ये ए अपॉन बी की फॉर्म में ऑलरेडी था इस हंड्रेड के नीचे कुछ नहीं था तो अब ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान दीजिएगा अब हम इसको क्या लिख सकते हैं हंड्रेड के नीचे कुछ नहीं था तो हंड्रेड के नीचे वन लगाया अपॉन वन एट्टी सेवन अपॉन टू इंटू टू फोर थ्री वन तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं हंड्रेड अपॉन वन इंटू टू अपॉन वन एट्टी सेवन इंटू टू फोर थ्री वन राइट अब देखिए जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे डिवाइड करके देख लेते हैं डायरेक्टली तो टू फोर थ्री वन को डिवाइड किया वन एट्टी सेवन से तो so 187 एटी सेवन वनजा इज़ वन एटी सेवन थर्टीन में से सेवन गया सिक्स थर्टीन में से एट गया इज फाइव एंड वन अब थ्री जहा करके देखते हैं वन एट्टी सेवन थ्रीज़ा कितना आता है थ्री सेवन ज़ा ट्वेंटी वन ट्वेंटी सिक्स एंड फाइव yeah, या थ्रीज़ा जा रहा है तो दैट मीन्स वन एटी सेवन इंटू थर्टीन इज़ टू फोर थ्री वन तो वही कर रही हूँ वन एटी सेवन वनजा वन एटी सेवन थर्टीन और कुछ नहीं कट रहा है तो हंड्रेड इंटू टू इंटू थर्टीन दैट मीन्स हमारी कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई है ट्वेंटी सिक्स हंड्रेड रुपीज़ इज़ द आंसर लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट नाउ थर्ड पार्ट है हमारा अब हमें सेलिंग प्राइस दे रखा है रुपीज़ सिक्स फिफ्टी सेवन पॉइंट सिक्सटी और लॉस परसेंटेज दे रखा है हमें फोर परसेंट तो कैसे निकालेंगे हमें सी पी निकालना है तो अगेन हमारा फॉर्मूला क्या होता था हंड्रेड अपॉन हंड्रेड माइनस लॉस परसेंट इन टू एस पी यहाँ लॉस परसेंटेज है राइट अब हंड्रेड एज इट इज हंड्रेड माइनस लॉस परसेंटेज कितनी दे रखी है फोर इन टू एस पी कितना दे रखा है सिक्स फिफ्टी सेवन पॉइंट सिक्सटी दे रखा है तो ये कितना आ जाएगा हंड्रेड एज इट इज़ हंड्रेड में से फोर गेज नाइन्टी सिक्स इंटू सिक्स फिफ्टी सेवन पॉइंट सिक्स ज़ीरो अब देखिए पॉइंट लगा हुआ है तो पॉइंट हटाया पॉइंट के बाद दो वैल्यूज थी तो दो ज़ीरो लगा दी अब अगर आप देखेंगे ये हंड्रेड से हंड्रेड कैंसिल हो गया अब टू फोर ज़ा एट टू एट जिक्सटीन टू थ्री ज सिक्स टू टू ज फोर टू एट ज सिक्सटीन टू एट ज सिक्सटीन एंड जीरो अगेन ट्वेंटी फोर टू से गया टू वन ज टू टू सिक्स ज ट्वेल्व टू फोर ज एट टू फोर ज एट एंड जीरो अब फोर से चला जाएगा फोर सिक्स ज ट्वेंटी फोर 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 ज सिक्सटीन फोर वन ज फोर फोर वन ज फोर एंड जीरो टू थ्री ज सिक्स टू टू ज फोर ज़ीरो टू फाइव ज़र टेन एंड टू फाइव ज़र टेन अब थ्री वन ज थ्री थ्री सिक्स ज़ा एटीन ट्वेंटी फाइव थ्री एट ज़र ट्वेंटी फोर थ्री फाइव ज़र फिफ्टीन दैट्स इट तो हमारा कितना रुपीज़ आ गया कॉस्ट प्राइस दैट इज़ सिक्स एट्टी फाइव रुपीज़ इज़ द आंसर लेट्स डू लास्ट पार्ट नाउ लास्ट पार्ट में कह रहा है हमारी सेलिंग प्राइस है थर्टी फोर रुपीज़ फोर्टी पैसा और गेन परसेंट है हमारा सेवन होल वन अपॉन टू परसेंट तो अब इस मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं टू सेवन ऑफ फोर्टीन प्लस वन इज फिफ्टीन तो फिफ्टीन अपॉन टू परसेंट हमारा गेन परसेंट हो गया राइट right? तो अब हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला अगर हमें गेन परसेंटेज दे रखी होती थी तो क्या होता था हंड्रेड अपॉन हंड्रेड प्लस गेन परसेंट इन एस पी तो अब हंड्रेड इज अपॉन हंड्रेड बी इज अब गेन परसेंटेज कितना दे रखा है फिफ्टीन अपॉन टू इन टू एस पी कितना दे रखा है थर्टी फोर पॉइंट फोर जीरो तो ये कितना आ गया देखिए हंड्रेड इज रहेगा अपॉन अब इस हंड्रेड के नीचे कुछ नहीं है तो वन लगा देंगे तो वन इंटू टू इज टू डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है अब टू की मल्टीप्लाई हंड्रेड में प्लस वन की मल्टीप्लाई फिफ्टीन में इन टू थर्टी फोर पॉइंट फोर ज़ीरो कितना आ जाएगा हंड्रेड अपॉन होल अपॉन टू टू इंटू हंड्रेड इज टू हंड्रेड प्लस फिफ्टीन वन ऑफ फिफ्टीन इन टू थर्टी फोर पॉइंट फोर ज़ीरो तो ये कितना आ गया हंड्रेड अपॉन टू हंड्रेड एंड फिफ्टीन अपॉन टू थर्टी फोर पॉइंट फोर जीरो तो अब इसको क्या लिख सकते हैं या तो आप इस हंड्रेड के नीचे वन लेके कर लीजिए देखिए फिर से वही पॉइंट अब यहाँ हंड्रेड के नीचे वन जरूर लगा लीजिएगा वरना गलत करके आएंगे आप हंड्रेड अपॉन वन अपॉन टू वन फाइव अपॉन टू थर्टी फोर पॉइंट फोर जीरो ये वन क्यों लगाया क्योंकि हमारा ये होल नंबर था फ्रैक्शन में नहीं था लेकिन ये फ्रैक्शन में था तो इसको भी फ्रैक्शन में लिखने के लिए हमने वन लगा दिया जिससे कि हमें अब पता चल गया ये हमारा ए है ये हमारा बी है ये हमारा सी है और ये हमारा डी है अब हम इसको क्या लिख सकते हैं हंड्रेड अपॉन वन इंटू टू अपॉइ टू वन फाइव इंटू थर्टी फोर पॉइंट फोर जीरो देखिए अगर मैं इसको सिर्फ हंड्रेड अपॉन टू वन फाइव अपॉन टू लिखती तो ये ए मानती ये बी मानती और ये सी मानती तो ये गलत हो जाता क्यों क्योंकि मैं इसको हंड्रेड अपॉन टू वन फाइव लिखती इन टू डी अपॉन सी होता था तो डी की जगह वन लिखती अपॉन टू तो ये देखिए टू यहाँ डिनोमिनेटर में आ जाता है लेकिन टू कायम में आना चाहिए न्यूमरेटर में इसलिए कह रही हूँ यहाँ हंड्रेड के नीचे वन ज़रूर लिख लें अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे सबसे पहले पॉइंट हटाया पॉइंट के बाद दो वैल्यूज़ थी तो दो ज़ीरो लगा दी अब देखिए ये हंड्रेड से हंड्रेड कैंसिल हो गया अब फाइव फोर ज़ा ट्वेंटी फ़ाइव थ्री ज़ा फिफ्टीन फ़ाइव सिक्स ज़ा थर्टी फ़ाइव एट ज़ा फोर्टी फ़ाइव एट ज़ा फोर्टी तो ये कितना आ गया अब टू इंटू सिक्स एटी एट अपॉन फोर्टी थ्री तो ये कितना आ गया टू एट सिक्सटीन कैरी वन सेवनटीन कैरी वन ट्वेल्व एंड थर्टीन अपॉन फोर्टी थ्री अब डायरेक्टली डिवाइड करके देख लेते हैं वन थ्री सेवन सिक्स को फोर्टी थ्री से तो फोर्टी थ्री टू ज टू थ्री जिक्स एंड टू फोर ज एट फोर्टी थ्री थ्री ज़ा थ्री थ्री ज़ा नाइन थ्री फोर ज़ा थ्री ज़ा जाएगा वन ट्वेंटी नाइन तो ये कितना आ गया सेवेंटीन में से नाइन गई इज़ एट दैट्स इट एट्टी सिक्स टू ज़ा एट्टी सिक्स तो दैट मीन्स फोर्टी थ्री वन ज़ा एंड फोर्टी थ्री इंटू थर्टी टू इज़ वन थ्री सेवन सिक्स तो हमारा कॉस्ट प्राइस कितना आ गया That is 32 rupees is the answer. Let's do next question now.